जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं कि काम करते समय जिस किसी वस्तु पर दृष्टि जाए, उसी में एक बार श्री श्याम सुंदर की उस मधुर छवि को देखने का अभ्यास कीजिए। साथ ही नाम जप निरंतर चलता रहे, छूटे तो फिर पकड़ें। इस प्रकार अपनी जान में ईमानदारी के साथ जीभ से नाम एवं मन के द्वारा लीला का या रूप का चिंतन करने की पूरी चेष्टा करें। फिर यदि एक पाई भी सफलता ना हो तो कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं। साधना ना हो तो दोष की बात बिल्कुल नहीं है, पर उसके लिए मन में महत्व ना होकर उसे छोड़ देना दोष है। मान लें पूरा जीवन हम भजन की चेष्टा करते रह गए, ना तो हमारी वृत्ति सुधरी, ना भाव हुआ, ना विश्वास हुआ, यहाँ तक कि रूप की मामूली धारणा कर मन एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं हुआ, पर यह लालसा लगी रही और बार बार करते ही गए, तो फिर मैं तो संशयहीन होकर ही यह कहता हूँ कि आपको ठीक वही चीज भगवान देंगे जो सर्वथा साधना की परिपक्व अवस्था में ऊंचे साधकों को मिलती है। ध्यान करते समय कोई चित्र नहीं बंधता तो घबराइए मत, कभी वृंदावन तो गए ही हैं। वहां का सर्वोत्तम दृश्य जो आपके मन में हो, उसको उन पेड़ पत्तों की धुंधली सी स्मृति मानस पटल पर क्यों नहीं ला सकते। मैं ठीक कहता हूं, आपका दिमाग यदि पागल हो जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा निश्चित ला सकते हैं। प्रतिदिन नियम से एक बार ही स्मरण कीजिए, पर कीजिए अवश्य। फिर देखेंगे वह एक बार की स्मृति उन वृक्षों की स्मृति ही आगे चलकर अनंत गुनी हो जाएगी, तथा मरते समय यदि उन ब्रज की लता आदि की ही कोई धुंधली सी स्मृति हो गई तो निश्चय समझें आप निहाल हो गए। ब्रज में लता बनेंगे और स्वयं राधा रानी एवं श्री कृष्ण उस लता रूप सच्चिदानंद में लता रूप आपके समीप आकर अपने हाथों से फूल तोड़ेंगे, तथा आप चाहें तो उसी क्षण अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करके उनकी सेवा कर सकते हैं। ब्रज की लता का ध्यान करके लता बनने वाला ब्रह्म प्राप्त पुरुष से कम नहीं है। यह भावुकता की बात हो ऐसी बात नहीं है। अवश्य ही इस सिद्धांत को श्री कृष्ण की अतिशय कृपा से ही आप समझेंगे और विश्वास कर सकेंगे। स्वयं तो पहले तत्वतः कृष्ण बनकर ही तब ब्रज के लता बनेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण की ब्रज की लता स्वरूपतः जड़ वस्तु नहीं है, वह सच्चिदानंद में है। सोचिए श्री कृष्ण की कितनी कृपा है, बिना उस दिव्य लता को देखे ही प्राकृत धारणा में आई हुई लता का आप ध्यान करते हैं, पर वे इसी को अपना ध्यान मान लेते हैं, इसी को निमित्त बनाकर वे आपको सर्वोच्च स्थिति प्रदान कर देते हैं। आपसे क्या लता पेड़ पत्ते मिट्टी के घड़े पीतल के क्ले कलशे का भी ध्यान नहीं होता। और मजा यह है कि इनमें से किसी का ब्रज भाव से भावित होकर ध्यान करने पर बिल्कुल सच्चिदानंदमय राज्य में ही प्रवेश अधिकार मिल सकता है। देखिए आप सब लोगों ने संध्या के समय देखा होगा गायें वन से लौटती हैं, ठीक उसी तरह का धुंधला चित्र ब्रज भाव से भावित होकर इस समय अपने मानस पटल पर लाकर देखिए कि सामने से बहुत सारी गायें आ रही हैं। बस श्री कृष्ण मान लेंगे कि यह मेरा ध्यान कर रहा है। योगी के लिए मन लगाना, मन स्थिर करना कठिन है, क्योंकि उसे तन्मय करना है एक वस्तु में, पर यहां तो गायें से मन उछटे तो पेड़ में, और पेड़ से मन उछटा तो यमुना जी के जल में, वहां से मन उछटा तो वन की पगडंडी में, वहां से मन गया तो गोबर में, धूली में मन लगाकर कहीं कुछ भी ध्यान करके कृतार्थ हो सकते हैं। क्या परिश्रम है, केवल चाह की कमी है। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं इसमें कि हम लोग कभी ना कभी तो वृंदावन गए होंगे, एक बार भी गए होंगे तो वहां की सारी वस्तुएं हमने देखी होंगी। उन वस्तुओं का ध्यान कीजिए, उन वस्तुओं के ध्यान को भी
हमारे ठाकुर श्री श्याम सुंदर उसे अपना ही ध्यान मानेंगे। मानो आपने ब्रज के किसी वृक्ष को देखा होगा, गाय को देखा होगा, किसी भी वस्तु, धूली कण, गोबर, जिस भी वस्तु का आप ध्यान करेंगे, श्री कृष्ण उसे अपना ध्यान मान लेंगे। अब आगे पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, यहाँ बैठे बैठे इस कलम में देखें, भावना करें, यह पेड़ सा दिखता है, वृंदावन में हरे पेड़ों का रंग इससे कुछ भिन्न है। अब इस प्रकार के चिंतन को श्री कृष्ण अपना चिंतन मान लेंगे और ठीक इसे निमित्त बनाकर मरते समय आपको सर्वोच्च स्थिति दान कर देंगे। वे देखेंगे अपनी जान में इसने मन को मेरी प्यारी वस्तुओं में लगाया है। गायें मुझे प्यारी हैं, वन मुझे प्यारे हैं, पेड़ लता मुझे प्यारे हैं, इसने मेरी प्यारी वस्तुओं का चिंतन किया है, इसका तो मैं ऋणी हूँ। यह भी जाने दें, और कुछ न सही तो एक बार कहिए राधा राधा। ये शब्द भावुकता की बात नहीं है, ये श्री कृष्ण को ऋणी बना देंगे। आपकी समस्त अशांति एक क्षण में दूर हो जाएगी। आप केवल ब्रज लीला में मन को थोड़ा सा भी ले जाने का अभ्यास डालें। यद्यपि यह है सर्वथा कृपा साध्य, बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी हो सकते हैं, पर उनकी अभिरुचि ही इस ओर नहीं होती। समस्त जीवन रचे पचे रहने पर भी आनंद शांति उनके भाग में बहुत ही कम हाथ लगते हैं, क्योंकि उन्हें भगवत कृपा का अवलंबन प्राय नहीं रहता। पर यह ब्रजलीला ऐसी है कि इसमें रुचि यदि हुई तो यह ध्रुव सत्य सिद्धांत मान लें कि किसी क्षण किसी विलक्षण महात्मा की अहेतु की कृपा आपको उस स्तर में ले जाने के लिए हो चुकी है, नहीं तो रुचि असंभव है। आप तो अपना परम सौभाग्य समझें, अब केवल थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। इस ब्रज लीला की कल्पना में अपने मन को तदाकार कर दें। यह इतना आसान है कि इसकी कल्पना भी बिना लगे हो ही नहीं सकती, अवश्य ही यह होनी चाहिए सच्ची। ब्रज भाव से भावित चित्त लता पेड़ पत्ते पगडंडी वन गाय गौशाला की भीत साड़ी साफा देखते ही मन इस नश्वर राज्य से उठकर वहां चला जाएगा। वहां जाकर आप यहां की परिस्थिति के लिए सर्वथा चिंताहीन हो जाएंगे। यहां की उधेड़ बुन रहेगी ही नहीं, मन एक अनिर्वचनीय आनंद से भर जाएगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे।